Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अफवाहें दम तोड़ गई, कयास आराइयां गलत साबित। शहबाज शरीफ और खाकान अब्बासी नवाज शरीफ को राम करने में कामयाब। साबिक वजीर आजम का अदालतों में पेश होकर मुकदमात का सामना करने का ऐलान। 2 नवंबर को वतन वापस आएंगे। कहते हैं कितना फेयर ट्रायल हुआ पूरा मुल्क जानता है। ये फेयर ट्रायल होता तो फिर यार यहाँ आपका आ रहा है, मैं साइड पे आया हूँ। फिर आप यार ये माइक तो उठाओ ना, माइक तो उठाओ ना, खिलाड़ी साहब माइक आगे ऊपर ये कुछ भी माइक। लंदन में लीगी बड़ों की 3 घंटे तवील बैठक। नवाज शरीफ और अहले खाना पर लैब मुकदमात में बगावत की अफवाहों और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। मरियम नवाज के सियासी मुस्तकबिल पर भी गौर। क्या हुकूमत की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई? सहाफी का वजीर आजम से सवाल। शाहिद खाकान बोले मुशावरत के नतीजे वक्त के साथ आते हैं। कोई डील हुई है एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान वापस जा रहा है, के नतीजे वक्त के साथ साथ निकल से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश होगी, उसका मुकाबला किया है, हमेशा किया है, आज भी करेंगे। वजीर आला पंजाब -1 के सवाल पर कन्नी कतरा गए, कहा नवाज शरीफ ही पार्टी सदर हैं। नीचे नीचे जरा माइक पा रहे हैं फेस। हमारे सदर मुस्लिम लीग नून के उनके साथ जाहिर है कि उन्हीं की मुशावरत और उन्हीं के सपोर्ट के साथ पार्टी चल रही है। सियासी और जहद को जाती जंग न बनाया जाए, चौधरी निसार का मशवरा। कहा कि अदालती फैसले से इख्तलाफ किया जा सकता है, महाज आराई नहीं। पैनामा केस में भी अदालत जाने की फत की थी, नून लीग अपनी मर्जी से कोर्ट गई। इंतखाबात वक्त पर होना मुल्क के लिए जरूरी है, वरना बहुत नुकसान हो सकता है, चौधरी निसार ने खबरदार कर दिया। बोले न जाने क्यों वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बार बार टेक्नोक्रेट्स हुकूमत की बात करते हैं। कुछ खुफिया हाथ फिर जमहूरी अमल में खलल डालना चाहते हैं, इन अनासिर की साजिशें नाकाम बना देंगे। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि हर 10 बरस बाद मुल्क में आमरियत आ जाती है, अब न जाने 2020 में क्या होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट, शरीफ को पार्टी सदर बनाने के खिलाफ बाकायदा एक्शन। नवाज शरीफ, सेक्रेटरी कानून, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिसेस जारी। मुकदमे की समाअत 14 नवंबर को होगी। तान ने इक्तदार संभालने के बाद आगे का प्लान भी बता दिया। कहते हैं कि अवाम ने शऊर बेदार कर दिया, अब इंतखाबात के लिए तंजीम साजी होगी। तीसरे मरहले में इक्तदार संभाल कर मुल्क को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाएंगे। शफकत महमूद का एक बार फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा। इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। वजीर खजाना की मुश्किलात कम ना हो सकी, असास्ता जात रेफरेंस में इसाक डार के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दफ्तर 2 नवंबर को पेश होने का हुक्म। आइंदा समाअत पर गैर हाजिर रहे तो जमानत जब्त कर ली जाएगी, अदालत की वार्निंग। मरियम नवाज 120 के इलेक्शन के बाद से मुतहर्रिक, आज भी वालिदा के हलके का दौरा किया, पार्टी दफ्तर में कारकुनान से मुलाकात। कहती हैं कि मतवाले आपस के इख्तलाफात खत्म करें, वरना अगले इलेक्शन में वोट बैंक मुतारा है। इलेक्शन कमीशन दीगर सियासी जमातों के अकाउंट्स की तफसीलात भी देखे, हकायक कौम के सामने लाए, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। नईम उल हक कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया।
इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त कि वो और जमातों के जो अकाउंट्स हैं उनकी जांच पड़ताल शुरू करें। बानिए एमक्यूएम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ, डिप्टी मेयर कराची अरशद बोहरा ने FIA को बयान रिकॉर्ड करा दिया, तफसीलात भी फराहम की। दीगर नामजद अफराद और इदारों में वहां का रिकॉर्ड तलब। आज न्यूज के प्रोग्राम टारगेट की एक और काविश कामयाब, टीम टारगेट की निशानदेही पर DSP गुलशन इकबाल का छापा, 8 साल मगवी बच्ची को ढूंढ निकाला, अगवाकार मियां बीवी गिरफ्तार, वालदैन बच्ची से मिलने पर आबदीदा। अगवाकार मियां बीवी बच्ची को 70,000 रुपए में फरोख करना चाहते थे। जान शुक्रिया अदा, बहुत बहुत एहसान हमारे ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर, जितना तूने तावन किया है इतना आपको अल्लाह ताला और आपको दे दे। सिंध हुकूमत की एक बार फिर IG सिंध को हटाने की तैयारियां, एडी की तकरूरी का सिंध हाई कोर्ट का 7 सितंबर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, कहा कि अदालती फैसला हुकूमती इख्तियार में मुदाखलत है, IG की 3 साल मुद्दत को आईनी तहफ्फुज़ हासिल नहीं। सिंध पुलिस करप्शन रेफरेंस, नैब कोर्ट में साबिक IG सिंध गुलाम हैदर जमाली समेत 8 मुलजिमान पर फर्द जुर्माए, मुलजिमान पर गैर कानूनी भर्तियों के जरिए 50 करोड़ की खुर्द बुर्द का इल्जाम है। सिंध में मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट का पर्चा आउट होने का मामला, नैब का NTS हेडक्वार्टर्स पर छापा, एडमिन इंचार्ज और DTO को गिरफ्तार कर लिया, चेयरमैन नैब ने मामले का नोटिस लेते हुए एक्शन लिया था। हुकूमत की फिर आवाम पर बम गिराने की तैयारियां, 1 नवंबर से पेट्रोल की कीमत में 2.49 रुपए, मिट्टी के तेल में 16 रुपए इजाफे की तजवीज, हाई स्पीड डीजल 5.19 रुपए फी लीटर महंगा होगा, ओग्रा ने समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दिया। शौहर से इंतकाम की कोशिश ने पूरा खानदान निगल लिया, पसंद की शादी न होने पर शौहर अमजद के लिए दूध में जहर मिला दिया, शौहर ने दूध नहीं पिया लेकिन भाभी ने लस्सी बना दी, अमजद समेत 13 अफराद लस्सी पीकर जान से गए, मुलजिमा और उसका कजन गिरफ्तार। अब्दुल कवी मुजरिम है, कंदील को मुफ्ती कवी ने ही कत्ल कराया, मरकजी मुलजिम अब्दुल बासित भी उसका रिश्तेदार है, मॉडल गर्ल के वालिद का मुल्तान की अदालत में बयान, इंसाफ फराहम करने की फरियाद। गिरफ्तार मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी कर दी गई। बलूचिस्तान में कत्ल किए गए चीनी बाशिंदों की हलाकत की बाज़ाबता तस्दीक, दोनों चीनी शहरियों को रवां साल मई में क्वेटा से अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया था, मगवियों की शनाख्त DNA नमूनों से की गई। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा मुजाहिद फोर्स के पहले कर्नल कमांडेंट मुकर्रर, आर्मी चीफ ने बैज लगाए, जनरल बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए, कहते हैं मुजाहिद फोर्स की खिदमात को मौसर बनाने के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे। LOC पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का भारत से एहतजाज, पाकिस्तानी DGMO का हॉटलाइन पर भारतीय हम मनसब से राबिता, शहरी आबादी को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार किया। श्रीलंकन वजीर खेल श्री सकारा की गुफ्तगु, शो द सॉलिडेरिटी टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी पीपल, एंड आई थिंक फ्रॉम दिस
we can start cricket again in Pakistan. وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ بولے شری لنکن ٹیم کے دورے پر ان کے شکر گزار ہیں. کرکٹرز یہاں پہ شوق سے کھیلتے بھی ہیں تو جب یہ آنے شروع ہو گئے تو پاکستان کے جو خلاف پروپیگنڈا ہے وہ یکساں طور پہ ختم ہو جائے گا. بیوی کو خوش رکھنا آسان کام نہیں. اہلیہ کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ وقت کا پارا ہائی شوہر پر کر دی چڑھائی. شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے درمیان ٹویٹر پر دلچسپ نوک جھونک. اسٹار آل راؤنڈر کی بیوی کو منانے کی کوشش. شاداب خان نے بھی بھابھی سے معذرت کر لی. خنجرات سے شروع ہونے والی پاکستان کار ریلی مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل گوادر پہنچ گئی. پاکا والہانہ استقبال کیا گیا. روایتی رقص نے سماں باندھ دیا. ناظرین آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسما اقبال. میں ہوں ارباب جہانگیر. بلٹن کا آغاز کریں گے لندن سے جہاں مسلم لیگ نون کی اعلی قیادت نے 3 گھنٹے تک اہم بیٹھک لگائی ہے. حسن نواز کے دفتر میں ہونے والی اس اہم مشاورت میں سابق اور موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اعلی بھی موجود تھے. طویل مشاورت کے بعد نواز شریف نے وطن واپسی کا اعلان کر دیا ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جا کر عدالتوں کا سامنا کروں گا. ساتھ ہی ساتھ سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اگر ٹرائل فیئر ہوتا تو جگہ اقامہ پر فیصلہ نہ کیا جاتا. انہوں نے کہا کہ اس کیس میں کچھ بھی فیئر نہیں ہے. سب سمجھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں اور میں اگلے 2 روز میں پاکستان بھی جا رہا ہوں. یہ فیئر تو پھر یار یہاں تو دیکھو پھر آپ کا آ رہا ہے. میں سائڈ پہ آیا ہوں پھر آپ یار یہ مائک تو اٹھاؤ نا. مائک تو آگے اوپر کچھ بھی مائک تو نہیں. میں سب دیکھ رہا ہوں سب سمجھ رہا ہوں. ناظرین نواز شریف نے وطن واپسی کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن ان کو راضی کرنے میں وزیر اعظم شاہد کاکان عباسی اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. 3 گھنٹے ہونے والی اہم بیٹھک میں پارٹی میں بغاوت کی خبروں اور آئندہ الیکشن میں حکومت بھی غور کیا گیا. کون شہباز صاحب کو صدر لا رہے ہیں؟ نواز شریف اور اہل خانہ پر نیب مقدمات، پارٹی میں بغاوت کی افواہیں اور آئندہ انتخابات عملی ترتیب دینے کے لیے شریف برادران اور وزیر اعظم خاقان عباسی نے لندن میں سر جوڑ لیے. حسن نواز کے دفتر میں ہونے والی اہم بیٹھک میں نواز شریف کے دونوں صاحبزادے تھے. 3 گھنٹے کی مشاورت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نون لیگ کو توڑنے اور شہباز شریف کو صدر بنانے کی باتیں افواہیں ہیں. نواز شریف عدالت میں پیشی کے لیے وطن واپس جائیں گے. کیا اگلی پیشی ہے اس میں کیا پیش ہو رہے ہیں؟ ڈیل کی افواہوں پر شاہد خاقان بولے کہ مشاورت کے نتائج بعد میں آتے ہیں. کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف مائنس نواز شریف کے سوال پر کنی کترا گئے اور کہا کہ ملاقات میں اگلے الیکشن کے حوالے سے مشاورت ہوئی. کیا مائنس نواز فارمولا مسلم لیگ نواز کو کسی بھی حوالے سے قبول ہوگا؟ نیچے نیچے ذرا مائک ہمارے صدر مسلم لیگ نون کے ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ انہی کی مشابہت اور انہی کے ساتھ پارٹی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں مریم نواز کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. مریم نواز نے نیو یارک ٹائمز میں دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کا خاندان سمجھتا ہے کہ ان میں پارٹی کی باگ ڈور سنبھالنے کی اہلیت ہے. حالانکہ بعد میں انہوں نے ٹویٹ میں اس کی وضاحت بھی کی تھی. وزیر اعظم اور شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات کتنی سود مند ثابت رہی؟ کیا دونوں رہنما نواز شریف کو مہازارائی سے باز رہنے پر قائل کر سکے؟ پارٹی صدارت کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ہو گیا؟ ان سوالات کے جوابات وقت کے ساتھ ہی ملیں گے. نوید سجاد چودھری،
आज न्यूज लंदन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब होने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अदालत ने नवाज शरीफ, सेक्रेटरी कानून, इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिसेस जारी कर दिए। इस दरख्वास्त की समाअत 14 नवंबर को होगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब होने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अदालत ने नवाज शरीफ, सेक्रेटरी कानून, इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिसेस भी जारी कर दिए हैं। इस दरख्वास्त की समाअत 14 नवंबर को होगी। और अब कुछ जिक्र करेंगे साबिक वज़ीर दाखला चौधरी निसार का, जिन्होंने कहा कि पनामा केस में नून लीग अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट गई थी। जेआईटी को तस्लीम करना नून लीग का अपना फैसला था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की मुखालिफत की थी। फैसले से इख्तलाफ तो किया जा सकता है, लेकिन अदालत से महाज आराई ना सकती। साबिक वज़ीर दाखला चौधरी निसार ने यह भी कहा कि पनामा केस में नून लीग अपनी मर्जी से अदालत गई थी, हालांकि उन्होंने नून लीग की क़यादत को ऐसा करने से बारहा रोका। लंदन मुजाकरात में चौधरी निसार तो शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर क़यादत को मशवरा दे डाला। कहा सियासी और अदालती जिद्दोजहद को जाती जंग ना बनाया जाए। इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में उनका कहना था कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने की उन्होंने मुखालफत की थी, इसके बावजूद अदालत गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से इख्तलाफ तो किया जा सकता है, लेकिन जाती जंग ना बनाएं। नवाज शरीफ से कहा था मेरा मौकफ महाजराई नहीं, अगर किसी का कोई और मौकफ है तो मुझे पार्टी की अक्सरियत की राय वही है जो मेरी है। अब अदालत के साथ महाजराई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी पता नहीं क्यों बार बार टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात करते हैं। इंतखाबात वक्त पर होना मुल्क के लिए जरूरी है, वरना बहुत नुकसान होगा। चौधरी निसार का कहना था कि लंदन में क्यादत का इकट्ठा होना इत्तेफाकिया है, कोई बाकायदा इजलास नहीं बुलाया गया। वजीर अकाल का कहना है कि हमारी तारीख जमहूरियत और आमरियत के गिर्द घूम रही है, कुछ खुफिया हाथ फिर जमहूरी अमल में खलल डालना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम इन अनासिर की साजिशों को नाकाम बना देंगे। हर 10 बरस बाद मुल्क में दौरे आमरियत आ जाता है, अब 2020 में क्या होगा। वजीर दाखला एहसन इकबाल ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, कहा हमारी तारीख जमहूरियत और आमरियत के गिर्द घूम रही है। भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। उनका कहना था कि कुछ खुफिया हाथ फिर जमहूरी अमल में खलल डालना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम इन अनासिर की साजिशों को नाकाम बना देंगे। वजीर दाखला ने जमहूरी और आमरियत के अदवार का दहाइयों पर मबनी मवाजना किया। 50 की दहाई से 2010 की दहाई तक जमहूरी और आमरियत के दौर मरहलावार आते और जाते रहे हैं। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि अब 2020 में क्या होगा। अब आपको खबर दें मरियम नवाज से मुतालिक, जिन्होंने अपनी वाल के NA-120 का दौरा किया। हल्के के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि कारकुनान आपस के इख्तलाफात खत्म करें, वरना अगले इलेक्शन में वोट बैंक मुतासिर हो सकता है। मरियम नवाज का एक बार फिर लाहौर के हल्के NA-120 का दौरा, क्या कुलसूम नवाज की तबीयत नासाजी की वजह से इलेक्शन होने तो नहीं जा रहा। मरियम नवाज ने मुजंग में पार्टी के मरकजी दफ्तर का दौरा किया। उन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनान से खिताब किया। मरियम नवाज मुख्तलिफ इलाकों में गईं, जहां कारकुनों ने अपनी शिकायत का खुलकर इजहार किया। उन्होंने वर्कर्स को यकीन दिलाया कि मसाइल जल्द हल कर दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है जद्दोजहद का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। पहले मरहले में अवाम में शऊर बेदार किया। अपने ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि नए पाकिस्तान की जद्दोजहद का दूसरा मरहला जारी है। इस मरहले में आइंदा इंतखाबात के लिए तंजीम साजी होगी। तीसरे और आखिरी मरहले में PTI इख्तदार में आएगी और फिर मुल्क को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाएंगे। जिक्र हो रहा है इमरान खान का, तो आपको ये भी बता दें कि वो अपना अगला प्लान सामने ले आए हैं। उनकी जमात तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर कबल इलेक्शन का मुतालिबा कर दिया है। इसी बारे में शफकत महमूद का कहना यह था कि मसाइल खत्म करना वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के बस की बात नहीं है। हुकूमत होश के नाखून ले और फौरी तौर पर नए इलेक्शन करवाए जाए।
उन्होंने ये भी कहा है कि एक वजीर के वारंट गिरफ्तारी जारी है और वो पूरी दुनिया में घूम रहा है। नवाज शरीफ और जरदारी ने मिलकर मुल्क को लूटा, उनकी हरकत गद्दारी के जुमरे में आती है। दोनों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमा चलाए जाने चाहिए। जो मुतालबा कर रहे हैं इंतखाबात का, हम इसलिए मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान के बेशुमार हैं और उन मसाइल का हल करना शायद हक्कान अब्बासी के बस की बात नहीं है। और कुछ बात कर लेते हैं सिंध के मामलों की। सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध एडी ख्वाजा की तकरारी के मामले पर सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ और पार्लियमान के काम में मुदाखलत है। आईजी सिंध की 3 साल मुद्दत को आईनी तहफ्फुज़ हासिल नहीं, सूबाई हुकूमत को अपने बनाए हुए तब्दीली से नहीं रोका जा सकता। दरख्वास्त में आईजी तकरारी के 3 साल मुद्दत को पॉलिसी मामला करार देते हुए कहा गया कि सिंध हाई कोर्ट का हुक्म सूबाई असम्बली की कारकर्दगी को मुतासिर करेगा। अनीता तुराब केस के मुताबिक अदलिया पॉलिसी और कानून साजी में मुदाखलत नहीं कर सकती। खबरें मजीद भी हैं, आपसे शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जहां जहरीली लस्सी पीने से 13 अफराद की हलाकत की गुत्थी सुलझा ली गई। बीवी ने शोहर को कत्ल करने के लिए दूध में जहर मिलाया था, ताहम शोहर ने दूध नहीं पिया। बाद में उसी दूध से लस्सी बनाई गई तो पूरा खानदान मौत की आगोश में चला गया। के खिलाफ शादी ने 13 अफराद की जान ले ली। बीवी ने शोहर को मारने की कोशिश की लेकिन कजा बहुत सो की लिखी थी। ये बात उस वक्त सामने आई जब आसिया बीबी और उसके कजन शाहिद से तफ्तीश हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा अपने कजन को पसंद करती थी, शादी अमजद से हो गई। आसिया ने अमजद को कत्ल करने के लिए दूध में जहर मिलाया लेकिन उसने दूध ना पिया। अमजद की भाभी ने उसी दूध से लस्सी बना ली और अमजद समेत 13 अफराद जिंदगी की बाजी। आज न्यूज के प्रोग्राम टारगेट की एक और काविश कामयाब। 8 साल मगवी बच्ची को ढूंढ निकाला। एकबाकार मियां बीवी बच्ची को 70,000 रुपए में फरोख्त करना चाहते थे। छापामार कार्रवाई का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट। आज न्यूज के प्रोग्राम टारगेट की एक और काविश कामयाब। एक माह कबल शराबगोर से अगवा 8 साल बच्ची को ढूंढ निकाला। टीम टारगेट को इत्तला मिली कि दो लोग एक बच्ची को फरोख्त कर रहे हैं, जिस पर जाली खरीदार बनकर अगवाकारों से राब्ता किया गया और 70,000 रुपए में मामला तय पा गए। टीम टारगेट ने डीएसपी गुलशन इकबाल आगा असगर अली पठान की मदद से बच्ची को बाजियाब कराया और अगवाकार मियां बीवी को धर लिया गया। सर ये क्या है, ये एफआईआर क्या है? अगर ये तुम्हें उन्होंने खुद हवाले किया तो ये क्या है? तुझे खुदा का खौफ नहीं है? उसकी उम्र देखी मासूम बच्ची की। वालदैन अपने से मिले तो आपदीदा हो गए। शुक्रिया अदा, बहुत बहुत एहसान हमारे ऊपर गरीब। बच्ची ने अगवा की कहानी कुछ यूं बयान की। उन लोगों ने बोला नहीं जाना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना, मैं अब हमें बांध के हमें कूटेंगे। तो वहाँ पे और बच्चे भी थे या तुम अकेली थी? तो बच्चे थे, पता नहीं किसके थे, बोल रहे थे ये हमारा अबू नहीं है, मेरे अम्मी नहीं। बच्ची की बाजियाबी पर अहले खाना और इलाका मकीनों ने आज न्यूज का शुक्रिया अदा किया। आज न्यूज जिंदाबाद। वालदैन ने इस बात का भी शिकवा किया कि बच्ची को तलाश करने में पुलिस ने कोई तावुन नहीं किया। आज न्यूज की काविश आपने देखी और आपको खबर देते हैं कराची की मकामी अदालत से, जहां जाली चेक जमा कराने के जुर्म साबित होने पर मुजरिम को जुमे के रोज 3 घंटे मस्जिद में गुजारने की सजा सुनाई गई है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू मुकदमे की सुनवाई हुई। मुलजिम रिजवान चेक जमा कराने का जुर्म साबित हुआ तो अदालत ने खूबसूरत सजा सुनाई। मुलजिम हर जुम्मे के दिन
तीन घंटे मस्जिद में गुजारेगा और नमाज जुम्मा का इंतजाम करेगा। मस्जिद कमेटी के चेयरमैन प्रोबेशन ऑफिसर को मुजरिम की रिपोर्ट देगा। मुजरिम रिजवान ने 2014 में निजी बैंक में 1.5 करोड़ रुपए का जाली चेक जमा कराया था। हम खबरों से आपको आगाह करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप आज के साथ रहिएगा।